आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। दोनों नेताओं के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। दोनों नेता भावनगर में आज युवाओं से बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पैठ बनाने में जुटी हुई है और इसी कारण दोनों नेताओं की ये यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केजरीवाल और सिसोदिया का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब मनीष सिसोदिया पर दिल्ली में शराब नीति में घोटाले के आरोप लगे हैं। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। कल उन्होंने कई तरह के ऐलान किए थे गुजरात के लोगों के लिए कि अगर सरकार में आते हैं तो मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा पर फोकस रहेगा, स्वास्थ्य में कई तरह की सुविधाएं मुफ्त में दी जाएंगी। और उसके बाद आज दूसरा दिन जब वे युवाओं से बातचीत करेंगे भावनगर में आम आदमी पार्टी के गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, प्रचार की कोशिश कर रही है और इसी कारण दोनों नेताओं की ये यात्रा काफ़ी अहम है। केजरीवाल और सिसोदिया का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब मनीष सिसोदिया पर दिल्ली में शराब नीति में घोटाले के आरोप हैं। अमित राजपूत इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अमित, आज युवाओं से बातचीत करेंगे दोनों नेता, क्या कुछ खास रहने वाला है? तो युवाओं के लिए भी उम्मीद हो सकती है कि कुछ ऐलान हो जाए? देखिए, बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो बहुत ही एक मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पे और एक पूरे राजनेता के तौर पे वो गुजरात का दौरा इस बार कर रहे हैं और जिस तरह से कल के दौरे की हम बात करें, कल अहमदाबाद में उनकी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दोपहर में 1 बजे के आसपास और उसके बाद में हिम्मतनगर में जब उन्होंने फिर से टाउन हॉल कार्यक्रम में भाग लिया तो वहां भी उन्होंने वादों की झड़ी लगा दी और सबसे बड़ी बात मुफ्त बिजली, मुफ्त दवाएं, मुफ्त शिक्षा, ये ऐसे एजेंडे जो हैं उनको उन्होंने टच किया और लगातार वहां से लोगों से बातचीत भी की और ये बातें लोगों के बीच में उन्होंने रखी। और आज जब वो भावनगर के दौरे पे हैं, मनीष सिसोदिया भी उनके साथ में है, डिप्टी सीएम, तो ये जो कार्यक्रम है ये युवा संवाद का कार्यक्रम है। विशेष तौर से आज इस मुद्दे पे हम बात करें तो युवाओं से वो बात जो करने वाले हैं उसमें सबसे बड़ा एजेंडा उनका बेरोजगारी का है। बेरोजगारी के साथ में बेरोजगारी भत्ता देना, बेरोजगारी को कम करना, बेरोजगारी के एजेंडे पे बड़ी जो घोषणाएं हैं आज वो अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से की जा सकती है और ये सबसे बड़ा दिन होगा क्योंकि युवा को टारगेट करना वो बहुत बड़ी बात है और भावनगर एक ऐसी जगह है, गुजरात का किनारा है, समुद्री इलाके के नजदीक आया हुआ है और भावनगर में पिछले काफी समय से रोजगार के जो माध्यम थे वो काफी बंद हो चुके हैं। फिर वहाँ की डायमंड फैक्ट्री की बात करें या दूसरी इंडस्ट्रीज की बात करें, वहाँ पे बहुत कंपनियां जो हैं वो बंद हो चुकी हैं भूतकाल में। तो भावनगर को आज निशाने पे है अरविंद केजरीवाल के और वहाँ पर युवाओं को रोजगार और साथ ही साथ बेरोजगारी जैसे मुद्दों की बातें जो है अरविंद केजरीवाल के तरफ से की जाने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा जो है वो मौजूद होंगे और अरविंद केजरीवाल वही जो दोपहर का समय है तकरीबन 3 बजे के आसपास वहां पर ये बातचीत करने वाले हैं और देखना ये होगा क्या चीजें वो सामने लाते हैं क्योंकि आज गुजरात में फिर से एक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो एक दिन के दौरे पे अहमदाबाद पे आ रहे हैं, वो भी चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा करने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज युवाओं से बातचीत करेंगे, आपको बता दें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, और इस पर अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। और इस बीच बड़ी खबर